गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जिसमें आज आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट पास्ट, सॉरी प्रेजेंट के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे इसके आगे, इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो देखेंगे कि सबसे पहले पास्ट में आता है इंडेफिनिट में बात होगी सेकंड फॉर्म, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो हम क्या लगाते हैं वर्ब, यहाँ पर क्या लगाते हैं, वाज ऑब्लिक वर्ब। और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ये आ गई, और यहाँ कौन सी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज और इसमें चेंज हो जाती है, यहाँ पर आता है डिड नॉट। जब डिड नॉट आता है तो हम उसे कर देते हैं वाज या वर नॉट, ओके। ये इतनी चीज आप नोट कर लीजिए, या क्योंकि ये अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव में इसे दिया जाता है, और ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में ये आ जाते हैं, है ना। दोनों में ये आ जाते हैं, अफर्मेटिव में सिर्फ ये आता है, तो इस प्रकार से हम इसे चेंज करते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सभी मतलब जानते हैं कि ये साधारण वाक्य होता है, इसमें ना तो ना होता है ना तो कोई प्रश्न होता है। तो जैसे यहां पर आया कि एट द फूड, एकदम सिंपल सा वाक्य हो गया ही एट द फूड का मतलब क्या हुआ, उसने खाना खाया, यानी कि खाना उसके द्वारा खाया गया, ये हो गया पैसिव वॉइस में। तो आपका एक्टिव ये है, एक्टिव ये है, और जब एक्टिव ये है तो आप जब इसे पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो द फूड क्या होगा हमारा, यहां पर आ जाएगा, आ गया द फूड। फिर द फूड, अब हमने क्या कहा, जब तुम्हारी सेकंड फॉर्म हो, इसी से देख के हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और यही यहां पर एस लगा हो तो वो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट में, लेकिन यहां सेकंड फॉर्म लगी, यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अन्यथा किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो इसे पहचानना भी बहुत आसान है कि इसमें सेकंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब देखिए दाबू यहां पर आ गया, गुण कितने हो गए एक, तो हमने क्या लगा दिया बस, अब एट की थर्ड फॉर्म क्या हुई, ईटन, इसके द्वारा खाया गया, उसके द्वारा, तो ये क्या बन गया, ठीक है। जैसे यहां पर आया हो मोहन रोड ए लेटर, मोहन रोड ए लेटर, यानी कि मोहन एक पत्र लिखता था, तो क्या हो जाएगी प्रश्न में, यानी कि एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे ए लेटर को यहाँ ले लिया, ए लेटर कितने हैं, तो यहाँ क्या आ गया बस, और रोड को किस में बदल दिया, थर्ड फॉर्म में, तो मिल गया लेटर, किसके द्वारा लिखा गया, मोहन के द्वारा लिखा गया, तो ये बन गया। सभी को समझ में आ गया, क्लियर। थोड़ा सा इसी में डाउट हो जाता है, कभी कभी जब मिक्स हो जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे गलत कर बैठते हैं, तो बस इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस
फॉर्म देखनी कि फॉर्म कौन सी आई है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, सभी को समझ में आ गया? किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं साफ कर दें। तो सेंटेंस अब अफर्मेटिव के बाद कौन सा आएगा? निगेटिव। निगेटिव सभी जानते हैं कि जिसमें ना का प्रयोग हो, यानी कि कोई चीज में नकारात्मक भाव के, जैसे लेकिन जब नॉट का प्रयोग हो किसमें, ये आपको टेंथ में भी पढ़ा चुके हैं कि जब नॉट का प्रयोग हो पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहां पर आया रवि डिड नॉट ड्रिंक द जूस, रवि डिड नॉट नोट हो गया, सभी को समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब इसी के आगे अगर आपका ये लगा हो कि हॉकी में चिंता, अगर ये लगा दें इन द फील्ड, तो यहां भी वही हो जाएगा कि नहीं हो गया? तो ये निगेटिव समझ में आ गया सभी को। चलिए इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। आई हैड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, delicious food।
हो गया। अब क्या लगाएंगे? नॉट। फिर हुक की थर्ड कॉल को दबाई हर और इन द समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे। हो गया नोट। अब देखिए आएंगे दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। ठीक है, दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर आएंगे तो यहां पर उसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। व्हाई डिड, व्हाई डिड यू नॉट रीड द newspaper? Why did you not read the newspaper? यानी कि तो why के स्थान पे क्या रहेगा? Why? अब did के स्थान पे क्या आएगा? Was और the newspaper? The newspaper not by you? बस और कुछ है नहीं। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि न्यूज, ये जो न्यूज लिखा हुआ है इसे न्यूज क्यों कहते हैं? जानते हो न्यूज शब्द ये कैसे पड़ा? नहीं जानते? एंड का मतलब क्या हुआ? नॉट ईस्ट वेस्ट और साउथ। समझ में आ गया? तो एक न्यूज़पेपर जो होता है उसमें चारों दिशाएं की खबर होती है, तो चारों दिशाएं इसमें हैं, हैं? तो इसीलिए इसे क्या कह दिया गया? न्यूज। ठीक, कुछ चीज नहीं सीखी। अब देखेंगे इसमें फिर यदि यहां पर आया वाई did see, why did see the TV in the room? तो why के स्थान पर why, यहां पर was the TV, फिर TV क्या होगी? Seen by her, कहाँ? In the room। तो
बर्तन आगे समझ में कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ में आ गया? क्या पूछिए, क्या पूछिए, आ गया सभी को? चलिए अब इसी का इंटोनेटिव का एक और बचा है, कौन सा? हू, कौन? तो देखेंगे यहां पर आया हू, और हू के साथ हम क्या लगाएं कि हमें पहचान में आ जाए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर हमने ये लिख दिया हू और राइट द पोयम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बताओ ये है? इसमें से कौन सा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है बताओ? इसमें से ये चार हमने लिख दिए आपको, आप कैसे पहचानोगे कौन सा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है? ये है नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है, ये किसका टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। पहचाना किससे? हमने कई बार आपको पहचान बताई, एस लगा हो तो किसमें चला जाएगा? प्रेजेंट में। हैज लगा हो तो किसमें चला जाएगा? परफेक्ट में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, इज लगा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, और ये लगा है सेकंड फॉर्म, तो आपने पहचान लिया तुरंत, जिसमें सेकंड फॉर्म आएगी वही क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा, समझ गए? तो ये कंफ्यूजन मत करना, तो यही आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो भी आपके बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे, हु, रोड, ए लेटर, यानी कि कौन पत्र लिखता था हैं? या कौन पत्र लिख गया, तो हु की जगह बाई होम, फिर ए लेटर, फिर रिटेन। अभी गलत है कि सही है? गलत है। कहां गलत है? ये यहां क्या आना चाहिए? बस अब सही है। तो वाई होम वाज ए लेटर रिटेन। इसी प्रकार से दूसरा अगर हो के लिए लिखेंगे, रमन डिड नॉट सी द मूवी एलोन इन द रूम, रमन डिड नॉट सी द मूवी
इन द रूम अगला लिखेंगे रुचि रोट ए नॉवेल रुचि रोट ए नॉवेल अगला लिखेंगे वाई डिड यू वाई डिड यू नॉट लर्न द लेसन इन द क्लास वाई डिड यू नॉट लर्न द लेसन इन द क्लास अगला लिखो डिड डिड सुमित डेड सुमित प्लेड द हॉकी मैच प्लेड द हॉकी मैच विथ विथ फ्रेंड्स विथ फ्रेंड्स अगला लिखो हु ब्रोक द चेयर Who broke the chair in office? Who broke the chair in office? Who broke the chair in office? तो ये आपके complete हो गए हैं। जो कल हमने बताया था अगर किसी को doubt हो या नहीं आए हो तो वह पूछ सकता है। किसी को पूछना है कुछ?